Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences. With the help of these sentences, you can speak English. The book sold like hotcakes. Today he has come in his true color. Don't involve me in this matter. Why are you shouting at the top of voice? Try a little self-control. What sort of person is he? It will be great fun. He has worked with heart and soul. He has proud of his purse. Why was he doing so? तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स। जब कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी बिक जाती है तो उसके लिए हम बोलते हैं सोल्ड लाइक हॉट केक्स, यानी किताब जो है वो हाथों हाथ बिक गई। बुक इतनी अच्छी थी कि वो हाथों हाथ बिक गई। द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स। Today he has come in his true color. Dear friends, कभी कभार कोई व्यक्ति होता कुछ और है और सामने pretend करता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब समय पड़ता है और अपना वो रंग दिखाता है तो हम कहते हैं Today he has come in his true color. आज वह अपने असली रंग में आ गया। Don't involve me in this matter. Involve मतलब होता है शामिल करना। यदि कोई ऐसा मामला है, विवादास्पद है, जिसमें कोई जो है लोग फंसे हुए हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं कि डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, मुझे इस मामले में मत शामिल करो या मुझे इस मामले में मत घसीटो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जब बिना मतलब में बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहता है तो हम उसके पास जाकर के कहते हैं व्हाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ वॉइस। एट द टॉप ऑफ वॉइस का मतलब होता है उच्चतम स्वर में, या जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं गला फाड़कर। Why are you shouting at the top of voice? आप गला फाड़कर क्यों चिल्ला रहे हैं? और जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्पेरेट, बहुत ज्यादा हताश निराश होता है तो हम उसको समझाते हुए यही कहते हैं ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल। ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल, जरा संयम से काम लो, जरा संयम से काम लो। कभी कभार किसी व्यक्ति की कुछ एक्टिविटीज देख करके हर हमको ये कह जाता है कि वह किस किस्म का इंसान है। इसको बोलते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। और जब हम कहीं पे जाकर के एंजॉय करने की बात कहते हैं और कहीं पे जाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि वहां बहुत मजा आएगा, उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं इट विल बी ग्रेट फन। इट विल बी अ ग्रेट फन, इट विल बी अ ग्रेट फन यू कैन से। और जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति ने अपने काम में पूरा दिल जान डाल दिया है, पूरा मेहनत से काम किया है, तो हम कहते हैं ही हैज वर्कड विद हार्ट एंड सोल। He has worked with heart and soul. उसने जी जान से काम किया या उसने पूरा मन लगा करके काम किया। आज के समय में पैसा एक ऐसी चीज होती कि जिसके पास होता है वो अलग ही व्यवहार करने लगता है। कुछ लोगों के पास जिनके पास पैसा होता है उसे उन्हें पैसों का बहुत ज्यादा घमंड होता है। ऐसे लोगों के लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस यूज करते हैं He has proud of his purse. He has proud of his purse. उसे पैसों का घमंड है। और जब कोई व्यक्ति अलग हट करके कुछ काम करना करता है तो हर व्यक्ति उससे कहना चाहता है Why was he doing so? Why was he doing so? वह ऐसा क्यों कर रहा है? So dear friends, you can also speak, use these kind of sentences in your conversation. यदि आप भी इसी प्रकार से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर या लिख करके करते हैं तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों, अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।